हरे कृष्णा राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आप सभी को वर्ष की वट सावित्री व्रत की बहुत सारी शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सभी बहनों का सुहाग अजर अमर बना रहे। इसी के साथ आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वट सावित्री की पूजा। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि वट सावित्री की पूजा सुहागिन महिलाओं का त्यौहार होता है। सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए और सुखी वैवाहिक जीवन की मनोकामना से इस व्रत को करती हैं। तो यह व्रत कैसे की जाती है, पूजा विधि क्या है, इस वीडियो में आपको सभी जानकारी मिलने वाली है। तो देखिए, हम आए हैं वट वृक्ष के पास। तो देखिए, जो भी घर के आपके आसपास वट वृक्ष हो, प्राचीन हो, जिसकी जटाएं निकल रही हो, वहां पर आपने इस प्रकार से पूजन करना होता है। तो पहले हम प्रणाम कर लेंगे, चरण छू लेंगे और उनसे आवेदन करेंगे कि हम आपकी पूजा करेंगे। तो देखिए, मैं जल घर से ही लेकर आई हूँ। तो आप जब भी पूजन करने जाएं तो जल घर से लेकर आएं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर दीप कलश की स्थापना की है और गौरी गणेश की स्थापना करने के बाद में हम सबसे पहले देव वृक्ष को जल से सींचते हैं। तो देखिए, यह वट वृक्ष के नीचे बैठ करके इस पूजन को किया जाता है। तो आप सुबह सवेरे उठकर स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर के शुद्ध वस्त्र पहने, हो सके तो लाल पीले वस्त्र पहने, काले नीले वस्त्र नहीं पहने। उसके बाद में हम यहाँ पर जल से छीटा दे करके शुद्धिकरण पवित्रीकरण कर लेंगे। और देखिए, 16 श्रृंगार करने का इस पूजन में नियम होता है। तो आप 16 श्रृंगार कर लें। स्नान कराने के बाद में हम गौरी गणेश जी को, सत्यवान को और इस तरह से बरगद जो है, वट वृक्ष है, इन सभी को हम जनेऊ समर्पित कर देंगे। और देखिए, आप 16 श्रृंगार करें, पैर में महावर लगा लें और हाथों में एक दिन पहले ही मेहंदी लगा लें। तो देखिए, इस प्रकार से इत्र लगा करके वस्त्र रूपी कलावा सभी को समर्पित कर देंगे। तो आप ये देख सकते हैं, मैं ये पूजन सुबह सुबह में कर रही हूँ। तो देखिए, हम यहाँ पर, यहाँ जो वस्त्र रूपी कलावा है, यहाँ पर मैं सभी को अर्पित कर रही हूँ, सत्यवान और सावित्री को भी। यदि आपके पास वट सावित्री व्रत की किताब है तो आप उसका भी पूजन करें यहाँ पर रख करके। और देखिए, हमने यहाँ पर चंदन रोली से सभी को टीका कर लेंगे। तो देखिए, आप घर में भी इस पूजन को कर सकते हैं। आप चाहें तो एक दिन पहले ही घर में वट वृक्ष की टहनी जो है ले आएं और उसे गमले में लगा करके रख लें, तो अगले दिन आप इस पूजन को कर सकते हैं। जिस दिन हमें ये पूजन करना होता है उस दिन हमें ना पत्ता तोड़ना है और ना ही टहनी तोड़नी है, एक दिन पहले ही तोड़ लेना है। उसके बाद में देखिए, जो भी आपके पास फूल हो वो समर्पित कर दें इस प्रकार से। तो हम यहाँ पर सभी को पुष्प समर्पित कर देंगे। भक्तों, जहाँ पर आप पूजन कर सकते हो, सबसे पहले जो है अच्छे से साफ सफाई कर लेनी होती है। तो जो मैंने आटे से अपन बनाया था उससे मैंने यहाँ पर 7, 8, 11 आप इस तरह से जितनी भी संख्या में थापे लगाएं। उसके बाद में हम सभी को यहाँ पर दीपक का भी पूजन करेंगे। जो हमने थापे लगाए हैं उसमें भी हम सिंदूर से, रोली से टीका लगाएंगे। तो इस तरह से बना सकते हैं। जो मैंने आटे के थापे लगाए हैं, आप यहाँ पर चावल के आटे का भी थापा लगा सकते हैं और हल्दी से भी थापे लगा सकते हैं। पांचों उंगलियों से लगाए जाते हैं थापे, तो आप जरूर से लगाएं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर टीका भी कर लिया है, अक्षत समर्पित कर दिया है। सभी को हम यहाँ पर धूप दीप दिखा देंगे। तो इस प्रकार से जो यह पूजन विधि होता है, हर घर में थोड़ा सा अलग होता है और हर राज्य के हिसाब से भी अलग अलग नियम हो जाते हैं। लेकिन इस पूजन का जो मेन उद्देश्य होता है वह एक ही होता है कि हम अपनी सुहाग की लंबी आयु के लिए जो है कि व्रत पूजन करते हैं, अपने घर की सुख समृद्धि के लिए इस व्रत को रखते हैं। तो इसके बाद में जो भी हमने यहाँ पर चने डाल करके जो माला बनाई है उसे हमें एक दिन पहनना होता है। आप चाहे 11 दिन पहन सकते हैं या सिर्फ एक दिन भी पहन सकते हैं। और इसमें जो भीगे हुए काले चने अर्पित किए जाते हैं, अंकुरित होने चाहिए। तो देखिए, सुबह का समय है, आप सुबह सुबह में इस तरह से पूजन कर लें और जल का भोग लगा देंगे इस प्रकार से। भक्तों, जो वट सावित्री का व्रत सबसे पहले सावित्री माता ने ही अपने पति सत्यवान की लंबी उम्र के लिए किया था।
क्योंकि सत्यवान अल्पायु थे और सावित्री माता ने यह व्रत करके यमराज से अपने पति की प्राण वापस लिए थे। तभी से सभी सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को रखती हैं। तो देखिए हमारे यहाँ पर अट्ठावड़ी चढ़ाई जाती है। मैंने यहाँ पर 8 पूड़ी ले लिए हैं, बरगदे बनाए हैं गोल गोल, जो कि आटे में चीनी डालकर गुड़ डालकर बनाया जाता है। जो भी आपके पास ऋतु फल हो, सेब केला या 5 प्रकार के भी फल अर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सभी को, सत्यवान को और गौरी गणेश जी को भोग प्रसाद समर्पित करेंगे। तो देखिए इस पूजन में बांस के पंखे का विशेष महत्व होता है। मुझे नहीं मिल पाया था लेकिन मैं आपको ये दिखा रही हूँ। आप इस तरह से भी कोई भी पंखा ले सकते हैं, पूजन में रख सकते हैं, क्योंकि इसी पंखे से हमें वट वृक्ष को पंखा झोलना होता है। और इसी जो ये पत्ता है, इस पत्ते को हमें सिर में लगा लेना है, अपने बालों में जरूर से लगा लें, क्योंकि जो ये श्रृंगार होता है ये सावित्री ने वट वृक्ष का जो गहना बना करके लगाया था और इसको पूजन को किया था। तो आप हाथ में भी पहन सकते हैं, सिर में भी लगा सकते हैं। तो देखिए जो भी 16 श्रृंगार की सामग्री है आप यहाँ पर सावित्री को और माता गौरी जी को समर्पित जरूर से करें। छुआ कर करके हमें पास में ही रख देना होता है। तो देखिए तो इस व्रत को जो करती हैं पूजा के बाद, करने से पहले आप अपने आंचल से जो है यहाँ पर माता को सिंदूर अर्पित करेंगे। यदि आपके पास सिंदूरा है तो आप सिंदूरा पूजा में यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप अलग से कोई नया सिंदूर का पैकेट ले आए और इस तरह से लाल या पीला जो भी सिंदूर हो उससे माता को सुहाग देंगे। आप यहाँ पर 5, 3 बार, 4 बार जितना चाहे उतनी बार सिंदूर दान करें। उसके बाद में हमें माता से सुहाग भी लेना होता है। तो देखिए इस प्रकार से हमें यह पूजन करना है। बहुत ही सरल विधि में आपको यहाँ पर करके दिखा रही हूँ। और जैसे ही हमारी पूजा संपूर्ण हो जाती है तो हम यहीं पर बैठ करके पुष्प ले लेंगे और थोड़े से एक अंकुरित काले चने ले लेंगे और यहीं पर बैठ करके वट सावित्री व्रत की कथा और कहानी सुनेंगे। तो भक्तों कथा की वीडियो मैंने अलग कर दी है और आप वहां जाकर के कथा भी सुन सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और देखिए उसके बाद में हमें यहाँ पर थोड़ी सी अग्नियारी करनी होती है, हवन करना होता है। जो हमने भोग प्रसाद चढ़ाया होता है वो हमें अग्नि के माध्यम से ही हमें समर्पित करना होता है। तो वट सावित्री के दिन दान पुण्य का भी विशेष महत्व दिया गया है। तो आप यहाँ पर दान पुण्य के लिए कुछ भी सामग्री यहाँ पर चढ़ा सकते हैं या फिर जो भी चढ़ा रहे हैं उसमें से कुछ सामान आप निकाल लेंगे। तो देखिए पूजा हो गई, हवन हो गया, उसके बाद में हम यहाँ पर कपूर से आरती कर रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ पर जो दीपक प्रज्वलित अलग से किया हो आप दीपक से भी आरती उतार सकते हैं, तो आप आरती जरूर से करें। तो भक्तों जो ये पूजन है ये आप सुबह सवेरे में शुभ मुहूर्त में करें। और इसमें निर्जला व्रत भी रखा जाता है। यदि आपका स्वास्थ्य साथ नहीं देता है आप फलाहारी व्रत भी रख सकते हैं। तो दक्षिणा कुछ अपने सामर्थ्य अनुसार जरूर से निकालें। पूजा में जो भी रही कमी बेसी रहती है वो दक्षिणा से परिपूर्ण हो जाती है। तो देखिए जो हमने माला बनाई है ये 24 घंटे के लिए अपने गले में धारण किया जाता है। तो देखिए हमने थोड़ा सा जल ले लिया है, जल को हम हाथ से 3 बार फेर देंगे, मिनस देंगे। मिनसने से ये होता है जो भोग प्रसाद है, धूप दीप है, भगवान सह स्वीकार कर लेते हैं। आप देखिए हमें पूजा संपूर्ण हो जाने के बाद में हमें यहाँ पर परिक्रमा करनी होती है। परिक्रमा आप जरूर से कराएं। इसमें देखिए ज़्यादा से ज़्यादा 108 बार हमें यहाँ परिक्रमा लगानी होती है। तो आप अपने आंचल में इस तरह से दाने ले लें काले चने के और उसके बाद में सिंदूर ले लें आंचल में और यहाँ पर हम कच्चे सूत से फेरी लगाएंगे। यदि आपका स्वास्थ्य साथ नहीं देता है, बीमार आदि रहते हैं तो आप यहाँ पर 8 परिक्रमा जरूर से लगाएं। यदि आप स्वस्थ हैं 108 परिक्रमा जरूर से लगाएं। यदि आपका धागा खत्म हो जाता है तो आप सिर्फ काले चने से भी फेरी लगा सकते हैं और हर फेरी लगाने के बाद में माता को, सावित्री माता को, गौरी माता को सिंदूर अर्पित करेंगे। वही सिंदूर आपने अपनी मांग में लगाना है, फिर से आपने फेरी लगानी है। इस तरह से हमें अपनी परिक्रमा पूरी कर लेनी है। तो आप यहाँ पर 10 परिक्रमा लगाएं, 11 परिक्रमा लगाएं, 21 या फिर 11 परिक्रमा जरूर से लगाएं। और इस तरह से हमें
जरूर से ये पूजन करना है। मन ही मन में अपने पति की लंबी आयु के लिए, स्वच्छ स्वास्थ्य के लिए, मंगल कामना के लिए, उनकी लंबी उम्र के लिए, अच्छे भविष्य की कामना करते हुए जितनी बार परिक्रमा करें उतनी बार अपने मन में बोलते रहें। उसके बाद में जैसे ही हमारी परिक्रमा पूर्ण हो जाती है, अपने आंचल से, कोने से आपने सावित्री माता से और पार्वती मैया से सुहाग लेना है। जितनी बार भी आपने सुहाग दिया है उतनी बार आपने अपनी मांग में लगाना है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं वीडियो में। तो देखिए इसी तरह से हमें प्रेम से अपनी पूजा करनी है। भक्तों ये जो पूजन होता है ग्रुप में किया जाता है। यदि आप अकेले रहते हैं नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं, अकेले भी इस पूजन को किया जा सकता है। यदि ग्रुप में करते हैं तो बहुत ही शुभ अच्छा रहता है, खुशियाँ मिलती है, सब भजन गीत गाते हैं। तो देखिए जो हमने सुहाग की सामग्री चढ़ाई थी ये हमें कुछ सामान प्रसाद के रूप में लेना है, बाकी चढ़ा देना है, बांट देना है ब्राह्मणी को। और जो ये हमने भोग प्रसाद अर्पित किया है ये हमें प्रसाद के रूप में बांट देना है। और जो ये काले चने हैं, जो ये गहने हैं, ये 24 घंटे के लिए पहना जाता है। आप अपने गले में भी पहन सकते हैं और हाथ में भी पहन सकते हैं और 24 घंटे या 11 दिन के लिए पहन सकते हैं। जो ये काले चने हैं, इन काले चने को क्या करना है, आपने जल के साथ निगलना होता है। तो जैसे जैसे चने को चबाया नहीं जाता, सिर्फ निगला जाता है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर पूजन कर लिया है। जो चौकी है ये हमें हटानी नहीं, हमें इसी प्रकार से यहाँ पर छोड़कर जाना होता है। यदि आपने मिट्टी का कलश रखा है तो आप उसे यहीं पर छोड़ दें, यदि धातु के लाए हैं तो आप उसे घर ले जा सकते हैं जब आपका दीपक ठंडा हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हमें यह पूजन करना है। आई होप आपको यह वट सावित्री की बहुत ही सरल पूजा विधि पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि अन्य भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ प्राप्त कर सकें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में जय सावित्री अवश्य।